शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। विश्व की बहुत सारी कंट्रीज़ ने, इसके अलावा इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ SDG गोल्स निर्धारित करे हैं, जैसे कि कुपोषण को हम कब ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर हम कितना फोकस करेंगे, हेल्थ सेक्टर में कितना फोकस करेंगे, इस सब बातों को लेकर के हमने कुछ गोल निर्धारित करे हैं। इन गोलों को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि हम कितने करीब हैं अभी हमारे गोल को अचीव करने के मामले में और कहाँ कहाँ पर अभी कमियाँ रह गई हैं, कैसे करके हम उसको दूर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब एड्रेस कर रहे थे पहली मीटिंग किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी में, 24 से 25 फरवरी 2023 की डेट है, उन्होंने कुछ चिंता जाहिर करी थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी हमें धीमी नज़र आ रही है। रिगार्डलेस ऑफ द ग्लोबल प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड टू डेट, यदि हम बात करें कि पूरे विश्व भर में SDG की जो ग्रोथ रही है आज के टाइम तक, ठीक है, पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से यदि हम देखें कि पॉपुलेशन का साइज इंडिया का बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ग्लोबली स्केल इज इंस्ट्रिंक्सली टाइड टू सक्सेस ऑफ इंडिया। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है उस हिसाब से हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो डायरेक्टली टाई अप हैं किसके साथ में, इंडिया की सक्सेस के साथ में। यदि हम SDG अचीव कर ले रहे हैं इसका मतलब ये है इंडिया सक्सेस हो रहा है।